हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल अनुपमा की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर एक बार फिर हाजिर हैं, जहां पर शो में बहुत ही बड़ा खुलासा होगा। यहां पर शो में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जहां पर अनुपमा की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन जो अब यहां पर पाखी के साथ पिकनिक पे जो हुआ है, उसका भी खुलासा होगा। जी हाँ दोस्तों, पाखी ने आखिर पिकनिक पे ऐसा क्या किया, अब हम आपको बता दें कि पाखी को हो चुका है किसी लड़के से प्यार, और यहाँ पर जो है वो उस लड़के के जाल में फंसते हुए नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, पाखी को हो चुका है एक लड़के से प्यार, और अब वो आने वाले कुछ वीक के बाद यानी इस नेक्स्ट वीक में आपको दिखाया जाएगा, जो कि पाखी अब यहाँ पर कई चीजें अनुपमा से छुपाते हुए नजर आएगी, और कहीं खोई हुई सी नजर होगी, और यहाँ पर उसका पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से अनुपमा को पाखी पर शक होने वाला है कि पाखी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कई ऐसी चीजें होने वाली है जो पाखी करने वाली है, जैसे यंगस्ट करती है, उसके बाद में यहाँ पर पाखी की जो ये सच्चाई है वो जल्दी ही यहाँ पर यानी इतनी जल्दी सामने नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको शो में दिखाया जाएगा कि पाखी किस लड़के के प्यार में है, और उसके बाद में वो उस लड़के से मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो लड़का गलत निकलने वाला है। तो शो में एक बार फिर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स कैसे कैसे फंस जाते हैं और इस उम्र में कैसे बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर दिखाया जाने वाला है शो में। दूसरी तरफ अनुपमा अपने काम में काफी ज्यादा बिजी होने वाली है, और उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करना होगा, जो कि डांस अकेडमी को उसको मिलने वाला है, और आगे चलकर इस कॉम्पिटिशन को जीतना भी है, तो उसके लिए तैयारी करते हुए नजर आने वाली है। तो वहीं अब काव्या क्या प्लानिंग करेगी वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि शो में यही तो टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। एक तरफ जहां पर पाखी फंसने वाली है एक लड़की के जाल में, तो दूसरी तरफ यहां पर दिखाया जाएगा आपको कि कैसे काव्या अब जाल बुनते हुए नजर आएगी अनुपमा के खिलाफ। तो आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आगे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब।